हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉबी देओल अपनी वेब सीरीज आश्रम से खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। बॉबी देओल का करियर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने लंबे समय बाद सलमान खान की फिल्म रेस्त्री से वापसी की थी। उसके बाद से वह एक के बाद एक प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। बॉबी देओल के करियर के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन वह अपनी निजी जिंदगी और पत्नी तान्या देओल के बारे में कम ही बात करते हैं। तान्या अक्सर बॉबी देओल के साथ बॉलीवुड पार्टीज और इवेंट में नजर आती है। वह भले ही बॉलीवुड से दूर है, लेकिन खूबसूरती के मामले में किसी भी हीरोइन से कम नहीं है। यहाँ तक कि वह बड़ी बड़ी हीरोइनों को भी टक्कर देती है। तान्या एक बिजनेस वूमेन है और उनका फर्नीचर के अलावा होम डेकोरेटर्स का बिजनेस है। तान्या के शोरूम का नाम था गुड अर्थ है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उनके क्लाइंट हैं। तान्या एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। उनके पिता देवेंद्र आहूजा 20th Century फाइनेंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। जब बॉबी देओल फिल्मों से दूर थे और डिप्रेशन में थे, तब तान्या ही उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। अपने बिजनेस के जरिए तान्या करोड़ों में कमाती है। इंटीरियर डिजाइनर होने के साथ साथ वह कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। साल 1996 में बॉबी और तान्या की शादी हुई। कपल के दो बेटे आर्यमन और धर्म है। तान्या और बॉबी की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। दोनों की मुलाकात पार्टी के दौरान हुई थी। बॉबी एक दिन मुंबई के एक इटालियन रेस्तरां में बैठे थे, जहां उन्होंने तान्या को देखा था। तान्या से बात करने के लिए बॉबी को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी। धीरे धीरे तान्या और बॉबी में बात शुरू हुई और कुछ समय बाद दोनों की दोस्ती हो गई। जब बॉबी देओल ने तान्या को प्रपोज किया तो वह उसी होटल में ले गए जहाँ उन्हें पहली नजर का प्यार हुआ था। तान्या ने शादी के लिए हाँ कह दी और दोनों के परिवार वाले भी इस शादी के लिए राजी थे। साल 1996 में दोनों ने साथ फेरे लिए थे।